शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रज भाजपा की ओर से शनिवार को घंटानाद आंदोलन कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कोरोना संक्रमण के चलते बंद मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार खोलने की मांग करते हुए भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं ने घंटी बाबा मंदिर और हनुमान मंदिर के सामने जमकर नारेबाजी भी की है। कोरोना संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बीते 22 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद रफ्तार विभिन्न राज्य कई तरह की शर्तों के साथ अनलॉक मोड पे आते गए। महाराष्ट्र में भी आज की तारीख में एसटी बसेज, बाजार, होटल, रेस्टोरेंट, सैलून, पान शॉप आदि कई तरह के सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों सहित लगभग सभी धार्मिक स्थलों पर ताले जड़ दिए गए। भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक एक तरफ मार्केट सहित लगभग सभी आवश्यक सेवाओं को शुरू रखा जा रहा है, लेकिन सरकार का धार्मिक स्थलों को बंद रखने का ये अत्यल्प लोगों को पूजा या इबादत की अनुमति देने का दुख समझ से परे है। ऐसे में सरकार के इस उलझे हुए रवैये के विरोध में रास्तों पर आते हुए शहर भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घंटी बाबा मंदिर और छत्रपति चौक स्थित हनुमान मंदिर के समक्ष घंटानाद आंदोलन किया और राज्य सरकार मुर्दाबाद के नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर दिग्रज भाजपा के पदाधिकारियों ने जमकर सरकार की आलोचना भी की। कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे 5 महिन्यापासून संपूर्ण भारतामध्ये मंदिर बंद होते, परंतु काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण देशात मंदिर उघडले आहे। केंद्र मंत्रालयाने मंदिर उघडण्यासाठी मान्यता सुद्धा दिलेली आहे, तरी सुद्धा महाराष्ट्र सरकारने केंद्र शासनाचं न ऐकता महाराष्ट्रातील मंदिर बंदच ठेवलेले आहे। या मंदिर बंद असल्यामुळे आता सगळे धार्मिक सण श्रावण महिन्यापासून तर दिवाळीपर्यंत हिंदू धर्माचे सर्व धार्मिक सण आता आहेत। प्रत्येकांना मंदिरात जाऊन पूजा करायची असते, याच भरोशावर पुजारी आपलं पोट भरतात, त्यांची सुद्धा उपासमार होत आहे, प्रत्येक मंदिरामध्ये त्यांचं नुकसान होत आहे। त्याचप्रमाणे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात जास्त ज्योतिर्लिंग अष्टविनायक, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर हे मोठमोठाले धार्मिक स्थळ आहे, हे सुद्धा बंद असल्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हिंदूंच्या भावना दुखावल्या जात आहे। तरी माझी या महाराष्ट्र शासनाला अशी विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर मंदिरं महाराष्ट्रातली उघडण्यात यावी। धन्यवाद। एकीकडे हिंदुत्ववादी असं म्हणून घेणारे उद्धव ठाकरे सरकार आज सरकाराच्या लाभ पाहून हिंदुत्वाचं पूर्ण यांनी राज केलेला आहे। या भावना इतक्या दुखवलेल्या आहे, मंदिराला सुद्धा त्यांनी बंदिस्त करून टाकलं, देवाधर्माला सुद्धा ते मानत नाही। इथं दारूचे दुकानं, रेस्टॉरंट, बियर बार हे सर्व चालू करून आज मंदिरं बंद ठेवत आहे। आज सर्वात जास्त धार्मिक स्थळं या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आहे, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर असो, पंढरपूरचं मंदिर असो, शिर्डीचं साई मंदिर असो, अष्टविनायक असो, 12 ज्योतिर्लिंग असो, अनेक मोठमोठी देवस्थानं, शेगावचं देवस्थान असो, माहूरचं देवस्थान असो, अशा प्रमुख देवस्थानांना बंदिस्त करून टाकलं या सरकार। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भाजपाच्या वतीने या ठिकाणी घंटानाद आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या तीन टांगी सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्रातील मंदिरे, मस्जिद बंद केलेले आहे, सर्व धार्मिक स्थळे सध्या बंद आहेत। ह्या सरकारचा आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो आणि ज्या ज्या वेळेस मंदिरावर किंवा मस्जिदवर अशा बंद करण्याच्या भावना ज्या सरकारने व्यक्त केल्या ते सरकार 6 महिन्याच्या वरी या कार्यकाळात टिकलेलं नाही। म्हणून बंधूंनो, या ठिकाणी बारला परवानगी भेटते, धाब्याला परवानगी भेटते, परंतु मंदिर मस्जिदांना परवानगी मिळत नाही, त्यामुळे या सरकारचा आम्ही निषेध करतो। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। NBC न्यूज के लिए जुबैर खान, दिग्रस।